शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यह एकेडमी एक शांत वातावरण में स्थित है। यह इस एकेडमी का प्रमुख द्वार है। यह एकेडमी काफी एकड़ में फैली हुई है। इस एकेडमी में विभिन्न तरह के क्लब्स और कॉम्प्लेक्सेस हैं। यहाँ सारी फैसिलिटीज आईएएस ऑफिसर्स को उनकी ट्रेनिंग के दौरान प्रोवाइड की जाती है, जैसे हॉस्टल फैसिलिटी। यह हॉस्टल का रिसेप्शन है और यह हॉस्टल के अंदर का कमरा। एक कमरे में दो लोगों के रहने की व्यवस्था होती है। इसके अलावा रूम में टेलीविज़न, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और एक टेलीफोन भी है, जो हमेशा हॉस्टल के मेस से कनेक्टेड रहता है। इसके जरिए ऑफिसर जब चाहे तब खाना ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा आयरन टेबल, यहाँ कपड़े प्रेस करने की भी सुविधा दी गई है। देखने में यह कमरा काफ़ी सुंदर है और यहाँ काफ़ी सारे लग्जरियस फर्नीचर्स, पेंटिंग्स, डिजाइंस हैं, जिसे देखकर बोला जा सकता है कि यह कोई होटल से कम तो नहीं है। यहाँ पर फ्री वाईफाई भी दी जाती है ऑफिसर्स को। इसके अलावा कमरे की साफ सफाई का भी बेहद ख्याल रखा जाता है। और यह है वार्डरोब, जिसमें ऑफिसर्स के कपड़े रखने की व्यवस्था होती है। तो दोस्तों, यह था हॉस्टल। अब हम बात करेंगे कि ऑफिसर्स को ट्रेनिंग कैसी दी जाती है। तो मेनली हर ऑफिसर्स को उनके ट्रेनिंग के दौरान उनके पावर्स के बारे में बताया जाता है। इसके अलावा डिफरेंट टॉपिक्स पर स्पीच, डिस्कशंस और डिबेट्स आदि होते रहते हैं। एकेडमी में गांधी स्मृति लाइब्रेरी भी है, जिसमें विभिन्न तरह के किताबें हैं, जो कि ऑफिसर्स को पब्लिक पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन की अच्छी जानकारी देने में मदद करते हैं। इसके अलावा एकेडमी में हर सुबह फिजिकल एक्सरसाइज और विभिन्न खेलों का आयोजन भी होता है, जिससे कि हर ऑफिसर्स चुस्त और दुरुस्त रह सके। यहाँ योगा सेशंस भी होते हैं और इस योगा सेशंस में सभी ऑफिसर्स की मौजूदगी अनिवार्य होती है। हर दिन यहाँ नियमित रूप से आधे घंटे योग होता है। और यह है इस एकेडमी का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। इसका पूरा नाम है हैप्पी वैली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। यहाँ टेनिस कोर्ट, फुटबॉल स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम, पूल एंड स्नूकर जैसे खेलों की सुविधा इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद है। और यह है जिम्नेशियम। यहाँ विभिन्न तरह के जिमनास्ट करवाए जाते हैं हर ऑफिसर्स को, ताकि वो कुशल रूप से हिमालय की चोटियों पर चढ़ाई करने के लिए तैयार हो सकें और अपने आप को फिट रख सकें। एक बात और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही नॉलेजबल वीडियोस देखने के लिए। इसके अलावा LBSNAA में फाउंडेशन कोर्स के दौरान बेस्ट ऑफिसर ट्रेनी को मेडल और ट्रॉफीज देकर भी सम्मानित किया जाता है। और यह है एकेडमी का अहम हिस्सा, जिसका नाम है कर्मशिला बिल्डिंग। इसी बिल्डिंग में ऑफिसर्स मेस है, जो कि ऑफिसर्स को बेहतर क्वालिटी और हाइजीन के साथ खाना देने का काम करती है। इस मेस में ऑफिसर्स को हेल्दी डाइट्स भी दिया जाता है। इस मेस के हर मेनू में हर एक स्टेट और रीजन के खाने होते हैं। ऑफिसर्स अपने पसंद के अनुसार मेनू से खाना ऑर्डर कर सकते हैं। और दोस्तों, यह है एकेडमी का संपूर्णानंद ऑडिटोरियम। एकेडमी के जितने भी कल्चरल एक्टिविटीज होते हैं वो इसी ऑडिटोरियम में होते हैं। 450 लोग एक साथ इस ऑडिटोरियम में बैठ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ हर स्टेट के त्यौहार मनाए जाते हैं ऑफिसर्स के द्वारा, जो सेम स्टेट से बिलोंग करते हैं। एकेडमी में त्यौहार के दौरान काफ़ी अलग सा माहौल पैदा होता है और ऑफिसर्स भी इंजॉय करते हैं हर त्यौहारों को। फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट करने के बाद ऑफिसर्स को पब्लिक मैनेजमेंट में MA की डिग्री प्रदान की जाती है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली द्वारा। इस फाउंडेशन कोर्स का अहम मकसद होता है हर सिविल सर्वेंट्स को बेहतर ट्रेन करना, ताकि वो अपनी कार्यशैली और अपनी जिम्मेदारी को सही से निभा सकें।
इस एकेडमी का अपना सॉन्ग है जिसका नाम है सीलम परम भूषणम। आओ धर्म ते धीर, आओ कर्म ते वीर, आओ उन्नत शिर नहीं भार। आओ धर्म ते धीर, आओ कर्म ते वीर, आओ उन्नत शिर नहीं भार। बोली भेदा भेद ज्ञान, आओ सबे अगुवान, शाते आछे भगवान हावे जय। रहो धर्म में धीर,